आज हम शुरू करने लगे हैं BSc मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 4 बाय SM यूसुफ। तो चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं जिसे हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 हो, पावर या डिग्री भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई और इस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कर लें, तो इसमें एक्स की पावर कितनी है 1 है और वाई की पावर कितनी है 1 है। तो जिस ऐसा सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, ऐसे ही, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल की जब बात करेंगे तो वो सिस्टम कहलाएगा। और लीनियर का मतलब क्या है, उसकी पावर 1 हो, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और उनकी पावर जो हो वो 1 हो, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। सिस्टम में जब भी बात करूँगा तो मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल। तो सिस्टम का सॉल्यूशन के तीन किस्म का सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट और तीसरा नो सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा, लीनियर का मतलब ये है, अगर आपको ग्राफिकली अगर आपको समझाया जाए तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है और एक इस पर जो पॉइंट कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक लाइन पास हो रही है, दूसरा वेरिएबल, अगर वो एक ही पॉइंट पे सारे जो वेरिएबल्स हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो उसका आंसर होगा और वो यूनिक होगा, ठीक है। एक्स ये जो वेरिएबल है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री का जो आंसर आए वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, फॉर एग्जाम्पल एक्स वन इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 3, एक्स टू इज इक्वल टू 4, एक्स थ्री इज इक्वल टू 5, इसके अलावा इनका कोई आंसर ना हो, एक्स वन का सिर्फ 3 आंसर हो, एक्स टू का 4 और एक्स थ्री का 5, इसके अलावा इससे हट के इसका कोई आंसर ना हो, तो वो सॉल्यूशन जो कहलाता है वो यूनिक कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इनफाइनाइट पॉइंट पे हम इंटरसेक्शन हो रही है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो वो जो हमारा आंसर कहलाएगा वो सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये आपको इनफाइनाइट का बता दिया। अब नो सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें जो इंटरसेक्शन ही नहीं होती है। अब एक लाइन जहाँ पे पास हो रही है, एक यहाँ पे पैरेलल लाइंस जैसे आप कह सकते हो, तो इसमें इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही, तो जब इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, तो मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो तीसरा यह है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। लास्ट पे मैं इंशाल्लाह इसको आपको डिटेल से गाइड करूँगा, अभी सिर्फ आपने यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन इतना ही माइंड में रखना है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा और कब उसका सॉल्यूशन नॉट होगा। तो आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसमें कोई ना कोई आंसर मिले, लाइक यूनिक या इनफाइनाइट, कुछ ना कुछ, या तो एक ही आंसर है, यूनिक आंसर है, या तो इनफाइनाइट आंसर हो उसके, लेकिन आंसर ज़रूर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, ठीक है, लाइक नो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया, पैरेलल लाइंस पास हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो सिस्टम जो हमारे पास कहलाएगा वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब पॉइंट नंबर 4 पॉइंट में मैं आपको बताता चलूँ कि अगमेंटेड मैट्रिक्स इस चैप्टर में ज़्यादा हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, अगमेंटेड मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, तो अगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा होता है जी, ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, कोई मैंने क्वेश्चन उठा लिया, तो अब हमने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है उसे हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब इसके कोएफिशिएंट क्या है, 1-1, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1,
तो ये क्या है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, जिसे हम ए कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, जिसे हम कहते हैं 0, 1, -1, तो ये जो हमारे पास बी है 0, 1, -1 वेक्टर बी, इसे कहते हैं 0, 1, -1। तो इसे जब हम एक ही मैट्रिक्स में ऐसे लाइन डाल के, ठीक है, डॉटेड लाइन कर लें या ऐसे लाइन कर लें, दोनों मैट्रिसेस इस वेक्टर को और इस कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस को जब एक ही मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के साथ हम स्मॉल बी नीचे अटैच कर देते हैं, उसकी बेस में स्मॉल बी लिख देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद अब हम पढ़ने लगे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या है, इसमें तीन चीज़ें हम करते हैं क्या है? मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसमें जो कोई दो रो है, फॉर एग्जाम्पल अगर R1 को आप R3 से चेंज कर, इंटरचेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, एनी टू रोज़ कैन बी इंटरचेंज, कोई भी दो रो मैट्रिक्स में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एनी टू रोज़ कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, एनी टू रोज़ कोई भी दो रो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और किसी भी इक्वेशन या किसी भी रो को हम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या है, कोई भी टू रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी टू रोज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिक्स पॉइंट क्या है, एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में क्या है, एचलन फॉर्म में हमने ये पढ़ना है कि रो का जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के नीचे जितनी भी वैल्यू होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे नॉन ज़ीरो था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। अब अगली देख लेते हैं कि अगली रो में नॉन ज़ीरो नंबर ये है, और इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं, और इस रो में ये लास्ट वाला नंबर है, तो इसके नीचे वैल्यूज़ ही कोई नहीं है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम एचलन फॉर्म कहते हैं, जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट के नीचे सारी जो एंट्रीज हों वो ज़ीरो हों, और नेक्स्ट रो का जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे सारी वैल्यूज़ क्या हों, ज़ीरो हों। अब यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे सब ज़ीरो, चेक ही नहीं कर सकते। तो एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में क्या है, जिस तरह हमने यहाँ पर रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी है ऐसे, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, उसे हमने 1 बनाना है। कोई भी रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, और उसके नीचे जो सारी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। इधर भी अब नेक्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, और वो 1 है, और उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। अब इस रो में पहला एलिमेंट ये है, और इसके नीचे ये भी 1 है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो 0 हैं, तो नेक्स्ट फोर्थ रो में कोई एलिमेंट ही नहीं है, सारी 0 हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। अब 7 पॉइंट जो है वो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक सिस्टम, ठीक है, पहले हमने, अब फॉर एग्जाम्पल आप एक सवाल देख लो ऐसे, x1 - x2 + 2x3 = 0, 4x1 - x2 + 2x3 = 1, एंड x1 + x2 + x3 = -1। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले चेंज करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करके, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसे चेंज करने लगे हैं। अब ये हो गया 4 - 1 - 2 - 1 - 1। हाँ जी, तो ये अब मैंने क्या बना दिया, अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम अब इसे हम क्या करेंगे, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साथ अब हम इसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं खुद से ही ऐसे करने लगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको वैसे ही गाइड करने के लिए मैं खुद ही ऐसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब ये कैसा हो गया, ये हो गया जी, ये इस फॉर्म में आ गया, 0, 1,
माइनस वन, ये मैंने इसे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। इसकी बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है दोबारा इसे x1, x2, x3 की फॉर्म में ले आएंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके। तो आप मेन जो आपको मैंने बताना है, बाकी इसका मैं जो सोल्यूशन वगैरह है वो आपको एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा। ये मैं ऐसे ही आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें हमने करना क्या, कैसे स्टडी करना है, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स आपको एक्सरसाइज करने से पहले भी पता हो। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब ये देखें इनकी पावर सबकी वन है और एक से ज़्यादा वेरिएबल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करके इसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से इसे एचलन फॉर्म बनाएंगे। एचलन फॉर्म बना के बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन x1, x2, x3 की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे जो इसे सेटिस्फाई करे, ठीक है, x1, x2, x3, ठीक है, ओके हो गया। अब हम पढ़ने लगे हैं जी गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में भी हम सेम इसी तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के हम इसे, वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ हमने एचलन फॉर्म बनाई थी, यहाँ हम रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाएंगे। रिड्यूस एचलन फॉर्म बना के इसे अगेन उसी तरह बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन और x1, x2, x3 की फॉर्म में ले आएंगे। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन भी मैं आपको ऐसे ही रफली करके दिखा देता हूँ। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन में भी हमने क्या किया, कुछ चेंज कर लें ऐसे, अब यहाँ पे 100, यहाँ पे माइनस वन, 10 और यहाँ पे 221 कर लें, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में आ गया। तो अब इसकी क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके इसका x1, x2, x3 का आंसर निकाल लेंगे। हाँ जी, तो आठ पॉइंट जो हमने स्टडी करने थे वो हमारे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड तक कम्प्लीट हो। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को हमारे चैनल से फ़ायदा हो।